वेलकम फ्रेंड्स, पार्ट 20 में आपका स्वागत है। हमारे पास यहाँ पे पूरा आंसर दिया हुआ है और उस आंसर से हमें क्वेश्चन बनाने हैं। मतलब ये पूरा नया कंसेप्ट है, कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे A13 इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, जिसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। A प्लस 12D इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है। देखो सम ऑफ nth टर्म भी दिया हुआ है, मतलब s ऑफ 10 इज इक्वल टू दिया हुआ है 125, जहां से मुझे n की वैल्यू क्या मिल जाएगी। हम एक बार यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते n की वैल्यू कितनी मिल सकती है। हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है, d इज इक्वल टू वॉट, एंड A10 भी हमें ढूंढना है कि कितना होगा, राइट। पहले मैं A10 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, A प्लस 9D के फॉर्म में लिख लेता हूँ, राइट। अब क्या कर सकते हैं तो हमें कुछ ना कुछ आंसर मिले। अब हमारा जो गोल है वो हमें A10 ढूंढना है और D ढूंढना है। पहले तो हम D ढूंढेंगे, उसके बाद हम A10 ढूंढेंगे, और A10 ढूंढने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले A13 दिया हुआ है, तो A13 से हम एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, A13 एस ऑफ 10 दिया हुआ है, तो पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। एस ऑफ 10 इज इक्वल टू 10/2, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो शायद से ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाए आपको। 2a प्लस n की वैल्यू आपके पास 9 और डी। अब एस ऑफ 10 कितना था आपके पास, 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 9d। इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, ठीक है। ये आपके पास, क्योंकि आपको a और d दोनों ढूंढना है, तो हो सकता है आपको पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 फर्स्ट इक्वेशन बना ली है। अब हम एक और इक्वेशन बनाएंगे जिससे हमें कुछ वैल्यूज मिलेगी, चलिए देख लेते हैं। हमारे पास A13 इज इक्वल टू 15 था, विच इज इक्वल टू A प्लस 12D था, राइट। तो यहाँ से हमें एक दूसरी इक्वेशन मिल रही है, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब क्या करेंगे, आपको दिख सकता है 2A प्लस 9D फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ पे A प्लस 12D। अब मैंने आपको पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक कंसेप्ट सिखाया था कि दोनों में से आप क्या करिए, एलिमिनेशन मेथड को लगा लीजिए। देखो यहाँ पे 2 है, और अगर मैं यहाँ पे 2 ला देता हूँ तो ये पूरा टर्म कट हो जाएगा, राइट। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो अब मेरा ये जो क्वेश्चन है वो कैसा हो जाएगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन को एज इट इज ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, ये 2a प्लस ये 24d हो जाएगा। अब मैं इसको माइनस कराता हूँ तो ये -5 बचेगा, ये कट हो जाएगा। इसको माइनस करने के बाद 9 माइनस करने से कितना मिलेगा आपको, -15d मिलेगा, जिसकी वजह से d की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। माइनस माइनस कट करने से 5 × 3 = 15, d की वैल्यू आपको 3 मिल गई है। देखते हैं आंसर, हम जगह है हमारे पास, d की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, 3 मिल चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को इसमें या इसमें रखने से आपको a की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो चलिए हमें एक इक्वेशन जो छोटी लग रही है मैं इसमें रख लेता हूँ, 50 इज इक्वल टू ए प्लस 12d। तो 50 इज इक्वल टू ए प्लस 12d। अब 50 इज इक्वल टू ए प्लस 12 × 3, 50 इज इक्वल टू ए प्लस 36, इसको यहाँ पे लेके जाइए, 50 − 36 इज इक्वल टू ए। अब 36 − 15 = 2, ये हो गया 21 माइनस में, तो ये आपका आंसर हुआ। आपको यहाँ से ए और डी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू आपको मिल चुकी है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको ए और डी ढूंढना था, जो हमने ढूंढ निकाला है। और हो सकता है आपने देखा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, आपको इसके अंदर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के कंसेप्ट भी लगाने पड़े। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको उसके लिए भी तैयारी करनी चाहिए। हमारे असाइनमेंट में ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप इनसे इक्वेशन बना के इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए पार्ट के साथ। आप आई थिंक शायद हमारा ये 21 वाला पार्ट होगा, तो मिलते हैं 21 पार्ट के अंदर एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।